Zeal Raincoats, office to home, non-stop. Zeal Raincoats, बारिश के लिए रुकना never. मुसलमाना ने आलम को इस्लामी नए साल की मुबारकबाद देता हूँ. शहर ताजिया कमेटी की तरफ से तमामी मुसलमानों को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ. और चूँकि शहर ताजिया कमेटी जो है आने वाले मुहर्रम के वक्त शहर में किस तरह इंतज़ाम हो, पुलिस की क्या गाइडलाइंस है, गुज़िश्ता दो सालों से लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 की वजह से जो गवर्नमेंट की तरफ से GR आया था उसके मुताबिक हमने ऑफिसरों के साथ बैठकर उसका हल निकाला. लेकिन इस दफ़ा कोई ऐसी मसला नहीं है, कोई कोविड-19 का मसला नहीं है, कोई लॉकडाउन का मसला नहीं है. तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस गुज़िश्ता यानी दो साल पहले से जिस तरह मुहर्रम मनाया जाता है उसी तरह मुहर्रम का ये त्यौहार मनाया जाएगा. ताज़िया और ताज़िया का जुलूस जैसे गुज़िश्ता दफ़ा निकलता था इस दफ़ा भी निकलेगा. कोई कानूनी दुश्वारी नहीं हो, अगर कहीं कोई कानूनी दुश्वारी आएगी तो शहर ताज़िया कमेटी उसके लिए जद्दोजहद करेगी, कोशिश करेगी. लेकिन मैं शहर ताज़िया कमेटी की तरफ से तमाम ही शहर के ताज़ियादारों से गुजारिश करूँगा कि अगर आज़ादी हमको मिली है मुहर्रम का त्यौहार मनाने के लिए, ताज़िया बाहर रखने के लिए, ताज़िया का जुलूस निकालने के लिए, तो हम किसी भी तरह कानून हाथ में नहीं लेंगे, कानून तोड़ेंगे नहीं और हम पुरमन तौर से त्यौहार मनाएंगे. कहीं बदनज़मी ना हो, कोई खुराफात ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करना पड़ेगा. और मुहर्रम का जो त्यौहार है इमाम हुसैन की याद में जो मनाया जाता है, हम बताएंगे कि हुसैनी जो है साबिर है, सब्र करने वाले हैं. अगर कोई कहीं छोटा मोटा वाक़या हो जाए तो उसके लिए हमको सब्र करना है और किसी भी तरह कानून हाथ में हमको नहीं लेना है. मैं आखिर में तमाम ही मुसलमानों से गुजारिश करूँगा और ख़ास तौर से ताज़ियादारों से कि मुहर्रम के वक्त किसी भी तरह की कोई खुराफात अपनी तरफ से ना हो, यही मेरी गुजारिश है. ताज़िया क्या रखते थे पहले इमाम बाड़े में, तो आप फिर कहाँ रखेंगे इसके बाद? हमारी कोशिश ये है कि हम फिर उनसे बात करेंगे सिया बिरादरी के लोगों से और आखिर तक हमारी ये कोशिश होगी कि ताज़िया वहीं रखी जाए. हम उनसे यही बताएंगे और जो कुछ है उनके सामने भी हालात है. मैं समझता हूँ वो लोग भी चूँकि इमाम हुसैन की याद में सब कुछ करते हैं तो इमाम हुसैन की याद में जब ताज़िया बनाई जाती है तो वो ताज़ियादारों को भटकने नहीं देंगे. मुझे उम्मीद है कि वो लोग हमको फिर एक साल मौका देंगे वहाँ ताज़िया रखने का और उसके लिए ताज़िया घर के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे. आखिर तक कोशिश हमारी जारी रहेगी और इंशाअल्लाह इस शहर को हम ताज़िया घर बना कर देंगे. और 1.5 साल से ये प्रशासन चल रहा था कि आपको जगह मिलेंगे. 1.5 साल से हमारा जो प्रखंड कॉरपोरेशन ने जो मालदा शिवार में घरकुल योजना की जगह पर जो ताज़िया घर बनाने के लिए ठहराव पास किया था शहर ताज़िया कमेटी की गुजारिश पर, हम उस वक्त की जो बॉडी थी शेख रशीद साहब और ताहिरा मैडम की बॉडी थी उनके हम आज भी शुक्रगुजार हैं कि शहर ताज़िया कमेटी की बात पर उन्होंने कॉरपोरेशन में ठहराव पास किया और उसी ठहराव को लेकर हम आगे बढ़े. लेकिन हमारी बदनसीबी है, हमारी यह तो किस्मत ख़राब है कि हम उसमें कामयाब नहीं हो सके. हमको लगता था 1 महीना पहले तक कि हम उसमें कामयाब हो रहे हैं और हमको तो ये लग गया था कि 99% हम कामयाब हो चुके. लेकिन सुन्नी ताज़िया कमेटी की तरफ से जो इतराज़ात दाखिल किए गए कॉरपोरेशन में, कलेक्टर ऑफिस में, उससे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमको ठेस पहुंची है और वो नुकसान हुआ है. खैर वो उनका काम था, वो किए. यजीद हमेशा नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया इस्लाम में, वो कामयाब तो हुआ कुछ हद तक लेकिन हमेशा ज़िंदा नहीं रह सका. हुसैनी कल भी ज़िंदा थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे. हम ताज़िया घर के लिए लड़ते रहेंगे, कॉरपोरेशन से, गवर्नमेंट से, हम जहां भी जगह अच्छी मिलेगी उसके लिए हम कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले मुहर्रम तक ताज़िया घर की कुछ ना कुछ तो बुनियाद रख देंगे हम, क्योंकि हमको भी अब तजुर्बा हासिल हो गया साल भर में कि आप अगला कदम कैसे उठाना चाहिए. और चूँकि हम निहाली है हमको सब रास्ता आता है क्या करना चाहिए. मेरा सलाम ले लो नूरे
कैसे क्या बुलाया, असगर का था इशारा, असगर का था इशारा, मेरा सलाम ले लो ऐ करबला के नौशा, मेरा सलाम ले लो नूरे निगाह बख्श दो जो चीज चाहो क्योंकि मैं बूबे खुदा हो, अब तो बाबे जो दवा हो, हाँ जवाब इसका ہم سبوں کے دلوں میں زندگی کی آخری سانس کا تیرے حبیب کی اور تیرے حبیب کی اہل بیت کی محبت عطا فرما اور اسی محبت میں ہم سبوں کا خاتمہ فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والی و اصحاب اجمعین मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहां पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।